बुधवार को होने वाली पुलिस जनसुनवाई में इस बार भी कई शिकायतें पहुंची, जिसमें धोखाधड़ी से लेकर अलग अलग तरह के मामले सामने आए हैं, जिसमें पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रखी है। मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में इस बार 70 से अधिक फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिसमें धोखाधड़ी सहित अलग अलग तरह की शिकायत शामिल है। वहीं जनसुनवाई में एक मिलिट्री के रिटायर्ड मेजर भी धोखाधड़ी की शिकायत लेकर पहुंचे। रिटायर्ड मेजर ने पुलिस जनसुनवाई में शिकायत की कि उसने एक प्रॉपर्टी ब्रोकर एक एक फ्लैट खरीदा और उसके रुपए भी दे दिए, लेकिन प्रॉपर्टी ब्रोकर ने रिटायर्ड मेजर का फ्लैट किसी दूसरे को बेच दिया। वहीं दूसरी शिकायत गांधीनगर के कुछ रहवासी लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि गांधीनगर में रहने वाले एक दंपत्ति ने विभिन्न तरह वहां के रहवासियों को अपने जाल में फंसाया और फिर वहां के रहवासियों से प्लाट के नाम भी तकरीबन 50 से अधिक रहवासियों से लाखों रुपए ले लिए और फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित लोगों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस जनसुनवाई में की है। बसाटे एक सारमी बॉम्बे से मोबाइल के थ्रू मेरे को फ़ोन आया, वो बजाज कंपनी का बजाज लोन देंगे बोल के, तो हम जो बोलेंगे वो उसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी बोल के बताया, तो पॉलिसी लेने के लिए बोला उन्होंने। पॉलिसी तो जब पैसे मैंने भेजे तो बैंक से थ्रो किए मैंने, पैसे का उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया और बाद में फ़ोन बंद करके रखे कुछ दिन और धोखाधड़ी हुई मेरे पास 53,100 रुपये की। वहीं तीसरा मामला एक कॉलेज से संबंधित छात्र लेकर पहुंचे। बता दें गांधीनगर थाना क्षेत्र में स्थित टैगोर कॉलेज के छात्र कॉलेज प्रशासन की शिकायत लेकर पहुंचे। उनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन उन्हें विभिन्न तरह से प्रताड़ित कर रहा है। फिलहाल कॉलेज के छात्राओं ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस जनसुनवाई में की है। हम आए थे मैम रुचि वर्धन मिश्रा के पास, मैम के पास आए थे कि शिकायत करने के, जो पुलिस वालों ने अभी तक ना तो FIR लिखी और ना ही उस पर एक्शन लिया गया और पुलिस ने अभी तक उसको किसी प्रकार से ना गिरफ्तार किया गया। तो मैम ने सुनने के लिए पहले तो मना ही कर दिया, बोले हम नहीं जानते पुलिस का केस ही नहीं, तो पुलिस के हमारे पास वीडियो और रिकॉर्डिंग है सब दिखाना चाह रहे थे, मैम रेडी नहीं थी सुनने के लिए और ना देखने के लिए, और हमको ना पुलिस से कोई हेल्प मिली। जो हम पुलिस वालों को पूरा हम बता रहे हैं किस प्रकार से मिले, उनकी रिकॉर्डिंग है पूरी, हर चीज़ दिखाने के लिए रेडी है, बट फिर भी वो तैयार नहीं है सुनने के लिए। मैम तो चली गई और मैम ने ना ये तक नहीं बोला कि FIR होगी कि नहीं होगी। और आत्महत्या जो मतलब हम लोग करने के, मतलब हमने जानबूझ के थोड़ी कि उसने इतना धमकाया हर चीज की, तो किसके पास जाएंगे हम, पुलिस के पास जाएंगे कि हम किसी और व्यक्ति से बोलेंगे। सबसे पहले तो पुलिस आपकी लड़की के, हाँ, और हम लोग गए तो पुलिस ने और वो लोग मिले हुए, उन्होंने बोला कि मैंने जब जहर खाया इसलिए खाया, उन्होंने इतना धमकी दे दिया और है ना एक आदमी से मरवाया गया। लड़की ने जानबूझ के उन्होंने बोला, हमको पहले बोल दिया कि अगर तेरे को तू कहीं भी गया तो हम उल्टा सीधा बोल के बयान दिलवा के फंसा देंगे तेरे को, और है ना एक आदमी मेरे को मिला और मारने मेरे को एक दो झापड़ भी मारा और वहाँ कॉलेज में मरवाई एक मैडम ने मारा मुझे, वो मैडम का नाम नहीं मुझे मालूम, अनोन पर्सन है, वो आती है कभी कभी, आई डोंट नो हु इज दिस, वो कोई रिलेटिव भी हो सकती है, DAVB से भी है, उनका पूरा मिला हुआ है, पूरे वो लोग सब मिले हुए हैं। वहीं पुलिस जनसुनवाई में 70 से अधिक शिकायत आई है जिन पर संबंधित अधिकारियों को जांच का जिम्मा दिया गया। वहीं अधिकतर मामले जमीन संबंधित और धोखाधड़ी से संबंधित थे, जिस पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें एक आर्मी ऑफिसर ने रिपोर्ट किया है कि वो मकान खरीदना चाह रहे थे, पिछले 3-4 सालों से सेलर के संपर्क में थे और ऑनलाइन उसको जो मकान की राशि है वो उन्होंने समय समय पर भुगतान की है और रजिस्ट्री भी सेलर ने करा दी, लेकिन रजिस्ट्री कराते ही उनको ये ज्ञात हुआ कि लगभग 10-11 दिन पूर्व ही सेम सेलर ने किसी अन्य के नाम पर रजिस्ट्री करा दी, तो एक डबल रजिस्ट्री का ये मामला सामने आया है जिसमें उनके साथ प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी समझ में आ रही है, इसको जांच के लिए दिया गया है और जल्द से जल्द इसमें जो प्राइमरी फैक्ट्स हैं उसको इंक्वायर करके धोखाधड़ी पाने पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए।